हमने फादर अशोक कुजूर के दफन विधि में भाग लिया। अभी उसी के नाम से यह मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए उचित होगा कि हम संक्षिप्त में उसके जीवनी को सुने। फादर अशोक कुजूर का जन्म 10 अप्रैल 1935 को सकिया गांव के गुमला जिला में हुआ था। इनके पिताजी स्वर्गीय पत्रस कुजूर और माताजी स्वर्गीय मगदली किंडो थे। 9 भाई बहनों में इनका चौथा स्थान था। फादर अशोक की प्रारंभिक पढ़ाई सकिया गांव में ही हुई थी। मध्य विद्यालय की पढ़ाई ये कौनबेर नवाटोली से किए। इसके बाद हाई स्कूल के लिए संत जोन्स स्कूल रांची गए। इंटरमीडिएट की पढ़ाई संत जेवियर रांची से किए। प्रोहिताई की पढ़ाई के लिए संत अलोइस माइनर सेमिनरी रांची से माइनर सेमिनरी किए। दर्शन शास्त्र और इस शास्त्र की पढ़ाई फादर अशोक संत अल्बर्ट कॉलेज रांची से किए। इन्होंने अपने रीजेंसी रेंगारी हाई स्कूल सिमडेगा में किए। प्रोहिताई की आवश्यक पढ़ाई पूरी करने के बाद संत अल्बर्ट कॉलेज में रांची के स्वर्गीय आर्च बिशप पीयूष क्रिकेटा से उपयाजक अभिषेक ग्रहण किए। फादर का प्रोहिताई अभिषेक 1 जनवरी 1967 को स्वर्गीय आर्च बिशप पीयूष क्रिकेटा के द्वारा समटोली पारिस सिमडेगा में संपन्न हुआ। इनका पहला नियुक्ति कटकही पल्ली में सहायक पलिपुरोहित और हेडमास्टर के रूप में हुआ। 2 साल वे वहां अपनी सेवा दिए। इसके बाद 1970 में वे राजावल गए। वहां भी वे सहायक पलिपुरोहित और हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। वे वहां 7 साल तक अपनी सेवाएं दी। मई 1977 में आर्च डायसिस रांची को छोड़कर अंबिकापुर के रोजारियन समाज से जुड़े और 5 साल तक वहां रहे। 1982 में पुनः रांची महाधर्म प्रांत में वापस आए और किशोर नगर नामकुम में अपनी सेवा दी। 1985 में 6 महीने के लिए लचरागढ़ पारिस में रहे। 1986 से 1991 तक सिदरौल में एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किए। 1991 से 1992 तक रांची के पुराने पुरोहित निवास एसडीसी में रहे। इसके बाद बेल बगान अलर्ट सेंटर सामलोंग में रहे। 1993 में वे निर्मल द्वीप कोलंबी गए और वहां करीब 20 साल तक रहे। जुलाई 2014 में तबियत बिगड़ने के कारण आरागेट हॉस्पिटल में उसे रखा गया। नवंबर में ऑर्चिड हॉस्पिटल लाए गए और बिशप हाउस में रहकर उनका इलाज चलता रहा। कुछ सुधार होने पर हुलहुंडू पारिस में आराम करने के लिए रखा गया। कुछ महीनों तक वे वहां ठीक रहे। बाद में फिर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बर्नाबस हॉस्पिटल में रखा गया। कुछ सुधार होने पर बाद में उर्सुलाइन सिस्टरों द्वारा संचालित ओल्ड एज होम हेसाग में रखा गया और वहीं आज 3 मई 2021 में अंतिम सांसें ली। ये 86 वर्ष 23 दिन जीवित रहे। ईश्वर फादर के भले कामों का इनाम दे और हमारे प्रार्थनाओं द्वारा उनके सभी पापों से मुक्ति मिले और वे अनंत निवास में प्रवेश पाने दे। अतः आइए पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाकर फादर अशोक के लिए
और दुखित परिवार में सांत्वना मिलने के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि उद्घोषक ने कहा, हम परमेश्वर को उनके जीवन के लिए, उनकी बुलाहट के लिए, उनकी पुरोहिताई के लिए और उनके प्रेरित काम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और साथ साथ प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा अनंत शांति प्राप्त करे। इसके साथ साथ हम परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें, प्रियजनों के लिए, ताकि उन्हें शांति प्राप्त हो, सांत्वना हो, ईश्वर की ओर से आध्यात्मिक शांति उन्हें प्राप्त हो। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि स्पर्श बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। हे प्रभु हमके दया दया करो, हे प्रभु हमके दया दया करो, हमारे तो पापे क्षमा करो, शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। इकलौता बेटा यीशु प्रभु कृष्ण परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया, इकलौता बेटा यीशु प्रभु कृष्ण परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया, स्वर्ग में आवा के दहीने बैसा हमरे के बिंदी सुनो। महिमा महिमा राम के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा,
कल्पावित सर्वोच्च परमेश्वर गौरे के महिमा हो गौरे कल्पावित सर्वोच्च परमेश्वर गौरे के महिमा हो पवित्र आत्मा सखाप के महिमा में आमे महिमा महिमा राल के महिमा उच्च स्वर्ग में महिमा हम प्रार्थना करें हे प्रभु हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन ले और अपने सेवक पुरोहित अशोक की आत्मा को मुक्ति प्रदान कर वे तेरे नाम पर कलीसिया की सेवा में सदा विश्वस्त बने रहे अब वे तेरे संतों की संगति में आनंद मनाए ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं आमेन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मृत्यु का विनाश हुआ विजय प्राप्त हुई। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ हम सब नहीं मरेंगे बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरी बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरी बजेगी मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे क्योंकि यह आवश्यक है कि यह अनश्वर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण कर ले। जब यह नाश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु कहाँ है तेरी विजय हे मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो पिता जो सबका दादा एक ही पिता जो सबका दादा मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। कर लो त
गाना मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं एक ही पिता जो सबका दादा एक ही पिता जो सबका दादा मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो से मैं मसीह को पाऊं और उनके संग एक हो जाऊं हालेलुया 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 मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इसी तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में यहाँ पर उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम फादर लियो अशोक कुजूर की अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जब कभी भी हम किसी के अंतिम यात्रा में जाते हैं तो हम उनके पूर्व के जीवन को थोड़ा सा मनन करते हैं, और मनन करने के साथ साथ हम यह भी सोचने लगते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी अच्छी घटनाएं घटी या तो बुरी घटनाएं घटी, यह भी हम लोगों को याद दिलाता है। आज के पाठ जिसको हमने सुना कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से, और इसमें यह कहा गया कि मृत्यु हमारे जीवन का विनाश नहीं है,
लेकिन हम कहें इसे विजय प्राप्त होती है। और उसी विजय में आज फादर लेओ अशोक कुजूर चले गए। और प्रभु किस तरह से आज के सुसमाचार में हम लोगों को संदेश देते हैं कि जो थके मांदे हो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा और तुम आनंद मनाओगे। प्रभु आज फादर लेओ अशोक को वही कह रहे हैं। फादर लेओ अशोक कुजूर, हम लोग अशोक कुजूर के नाम से जानते हैं, लेकिन अशोक उनका नाम नहीं था, उनका वास्तविक नाम लेओ कुजूर। और हमारे महाधर्म प्रांत में उस समय दो लेओ कुजूर थे, लेओ कुजूर रेंगारी से, डोंगीझेरिया से, और लेओ कुजूर सकिया से, तो इसीलिए इनका नाम में जोड़ दिया गया लेओ अशोक कुजूर, जिससे कि हम भीमता पाए। हम देखें उनके पारिवारिक जीवन को, हमारे गांव में, मैं भी सक्या का ही हूं, हमारे गांव में जो कुजूर परिवार था एक संभ्रांत परिवार, लोग सब उनकी इज्जत करते थे। इनके पिता पतरस कुजूर, जब हम लोग छोटे छोटे थे हम जानते थे कि वो सब समय सरपंच हुआ करते थे, गांव के सरपंच हुआ करते थे। और उनके छोटे भाई जुएल कुजूर, लोग गांव में चरकू जुएल कुजूर कहा करते थे, वे भी गांव को चलाने वाले व्यक्ति थे। लेव कुजूर के परिवार को हम देखते हैं तो नौ भाई बहनों में पांच प्रभु की सेवा में चले गए। लेव कुजूर पुरोहित बने, उसके बाद उनकी छोटी बहन जिसका नाम सिसिलिया, संताना धर्म समाज में अभी भी है, बुजुर्ग हैं, कुरहेग में हैं, उनका नाम रखा गया एरिका। उससे छोटी वाली थी फ्रांसिस्का, जिसका नाम संताना धर्म समाज में रखा गया अगाथा, दुर्घटना में गुमला में बिशप्स हाउस के सामने उनका देहांत हुआ। और उसके बाद में SCJM, सिस्टर ऑफ चैरिटी ऑफ जीजस एंड मेरी, जिसको हम लोग कहते थे पहले हुलुंडु सिस्टर्स, तो उसमें दो बहनें हैं, क्रिस्का कुजूर यानि सिस्टर जोबिता और सिस्टर इमिलिया कुजूर, यहाँ पर हैं आज उपस्थित, हुलुंडु में ही रहती हैं। तो नौ में पांच प्रभु की सेवा में चले गए। और जब इनका पुरोहित अभिषेक हुआ उस वर्ष मैं 12वां क्लास में था, 1 जनवरी 1967। और उस समय प्रायः अभिषेक हुआ करता था रांची के महागिरजाघर में। इनके अभिषेक के समय यही सोचा गया कि हम लोग बाहर भी क्यों ना करें, इसलिए उस वर्ष सबका अभिषेक हुआ सामटोली में। चार पुरोहित थे, शिलास सुरीन अभी भी हैं जीवित, पूर्णापानी सामटोली में आराम कर रहे हैं। लॉरेंस केरकेट्टा, जिसको कहा जाता था गुरुजी, वे प्रभु के प्यारे हो गए। और पात्रिक किंडो, वे भी प्रभु के प्यारे हो गए। और ये लेओ अशोक कुजूर, सब कोई कद में छोटे थे, चारों के चारों एक प्रकार के थे। जब मैं इनसे बातें करता था, जब यहां मैं पुरोहित बना उसके बाद में, तो मैंने कहा कि उसका मन कुछ दूसरी ओर जाने का होता। सेमिनरी के मैदान पर हम लोग 1-1.5 घंटा घूमते घूमते एक दिन बात किए, आपकी बुलाहट है पुरोहित, मैं जूनियर पुरोहित हूँ, आप बहुत सीनियर हैं, हमारी बुलाहट है जो पुरोहित, जो यही सबसे उत्तम है, इसी में रहो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मठवासी बनूंगा। मठवासी
कटकही से दो वर्ष के बाद में उस समय के दिग्गज पली पुरोहित थे एलियस बरवा, यहाँ भी थे, यहीं पर उनका देहांत हुआ एलियस बरवा। उसके बाद वही चले गए राजावल, उस समय वहाँ के पली पुरोहित थे इग्नासियस कुजूर, वहाँ से वही चले गए रोजेरियन। आपने सुना 5 साल रहने के बाद में वहाँ भी दिल नहीं लगा, फिर वापस चले आए पीयूष केरकेटा, फिर वापस ले लिए और उनको कहा कि जाओ तुम किशोर नगर बच्चों के साथ रहो, उसके बाद लचड़ागढ़ वहाँ जाओ वास्तव में पली का काम करो। लेकिन मन नहीं भा रहा था, चले आए सिदरोल मंक की तरह। उसके बाद में आपने सुना किस तरह से वहाँ से पुराने प्रेस बेटरी रांची आए, फिर वहाँ से चले गए बेल बगान सामलोंग, और वहाँ से चले गए मरियानिस्ट ब्रदर्स फादर सबके साथ कोलंबी। मैं उन ब्रदर फादर सब का आभारी हूँ, 20 वर्षों तक अपने साथ रखा। वे अलग रहते थे, प्रार्थना मनन ध्यान करते थे, समुदाय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 20 वर्षों तक उनकी सेवा की उन्होंने, खाना देना लाना उनकी जरूरत को देखना, मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद बीमारी के समय हमने सुना कि अस्पतालों में गए, और यहाँ पर हमारी यहाँ पर कोई उस लाइन की धर्म बढ़ने नहीं है, सिस्टर अगुस्टीना अपने सहयोगों के साथ में कितनी सेवा दी है, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और अंतिम क्षण में उनके साथ सेवा देने वाले हमारे भाई याकूब, जो आज तक उनकी सेवा देते रहे। इस तरह से हम लोग देखते हैं इनके जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ। हम लोग जोगी कहा करते थे, योगा के वे प्रवीण, किसी तरह का योगा करने बोलिए वो करते थे, उनकी उपाधि थी, जोगदा मठ से उन्होंने उपाधि ली थी। उनका एक ही मतलब था कि कैसे हम परमात्मा से मिले, इस संसार में परमात्मा से कैसे मिले, कैसे हम उनका दर्शन करें, वही कहा करते थे, जो कि असंभव है। परमात्मा का दर्शन इस संसार में हम अनुभव कर सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो उनके जीवन की ही विशेषता थी कि वे चाहते थे कि हम प्रभु के निकट रहें, परमात्मा के निकट रहें, और परमात्मा को निकट से छूकर देख पाएं। आइए हम उनको आज याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, हमारे रांची महाधर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। इस थोड़े ही समय में हमने 4 पुरोहितों को खो दिया है, और हमारे रांची प्रोविंस के हमारे यीशु संघी भाई सब 13 पुरोहित और ब्रदर मिलकर खो चुके हैं। इस समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की आशीष और कृपा हम लोगों पर बनी रहे। हम निवेदन अर्पण करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को मृतकों में से उठाया, जी उठाया, उसी प्रकार वह सब मृत विश्वासियों को भी अनंत जीवन प्रदान करे। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मृत पुरोहित और धर्म संगी तथा इस लोक से गुजरे हुए सब विश्वासी अनंत विश्राम प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई फादर अशोक कुजूर, जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा ईश्वरीय जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, अनंत शांति में निवास करें, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग ख्रीस्त के पुनरुत्थान में सहभागी होने की दृढ़ आशा करते हैं, वे उन्हीं प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर सांत्वना पा सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे उन भाइयों बहनों पर जो आज मरने पर हैं, ईश्वर अपनी दया प्रकट करे और उन्हें अनंत जीवन की दृढ़ आशा प्रदान करे,
हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिनसे कोई ना कोई मर गए हैं और परिवार वाले शोकित हैं। ईश्वर उन्हें सांत्वना प्रदान करे, साहस दे और उनके विश्वास को मजबूत भी करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, अपने दीन सेवकों की विनय सुन ले। हमारे मृत बंधुओं के पाप दंड क्षमा कर कि वे मुक्ति का आनंद निरंतर भोग सकें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपनी सेवा किया भेंट तेरे सेवक पुरोहित अशोक की आत्मा के लिए चढ़ा रहे हैं। वे कलीसिया में यह बलिदान भक्ति पूर्वक चढ़ाया करते थे, अब वे इसके फलस्वरूप पापों के दंड से मुक्त हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत तुझे धन्यवाद दें। हालांकि हम अपने कुकर्मों के कारण नष्ट होते और पापों के कारण मृत्यु के शिकार बन जाते हैं, फिर भी तेरे करुणा और कृपा से क्रिस्त की महान विजय द्वारा हमारा उद्धार होता है और उन्हीं के साथ हमें अनंत जीवन का आमंत्रण मिलता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र होवे, पवित्र होवे तेरी बाणी, ऊंचे गगन में। पवित्र होवे, पवित्र होवे
जय पावित्र होवे पावित्र होवे तेरी बाड़ा ऊंचे गगन में। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, या उचित है कि तेरी समस्त तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकारिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रादुर्भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों प्रेरित फिलिप और जेम्स तथा सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे।
अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों, विशेषकर फादर अशोक कुजूर को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं, इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे तू जो करना स्वर्ग नाम आवे तेरा स्वर समान हो तेरी इच्छा धरती तल पर पूरन हर दिन का आहार हमारा कर दे आज प्रदान हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे, आमीन। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरी स्वर्गिक वेदी से भोजन ग्रहण करके हम तेरे सेवक पुरोहित लेवाशो की आत्मा के लिए दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं। वे बड़ी लगन से तेरी कलीसिया की सेवा करते थे, अब वे इस बलिदान के सामर्थ्य से तेरे सम्मुख आनंद मनाते रहे।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, Alleluia. यदि हम क्रिस्त में मर चुके जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे हम जिएंगे, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे। इसलिए हम भी जी उठेंगे हम जी।